everyone, this is damn it, this is Mehuna. Welcome back to my channel. We are going to talk about hostels. Hostel ka kya scene hai Islamabad mein? Aur maine kaise hostel mein guzara kiya ya kaise rehti thi main? Logon ko mere vlogs se andaaza hai ki hostel to nahi tha wo. To maine kya kiya? Wo bhi uske bare mein log bahut interested hain. This is probably the most asked question. कि एयर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का क्या सीन है, इस्लामाबाद में अच्छा हॉस्टल किस तरह मिलेगा, सिक्योरिटी इनफ है क्या? तो वो सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैं आंसर करूंगी. क्वेश्चन नंबर वन, एयर यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है कि नहीं है? एयर यूनिवर्सिटी में आना है आपने तो आप कैसे रहोगे? आप इस्लामाबाद के बासी नहीं हो, इस्लामाबाद के सिटीज़न नहीं हो, तो क्या करना है? एयर यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है मगर इट्स नॉट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. वो पर्टिकुलरली डॉक्टर्स के लिए बनाया गया है, लाइक डॉक्टर टू बी के लिए बनाया गया है जो वहाँ से MBBS कर रहे हैं. FMC का हॉस्टल मौजूद है मगर क्योंकि FMC 4-5 साल पहले स्टार्ट हुआ था मेडिकल डिपार्टमेंट, तो इतने ज़्यादा बच्चे हॉस्टल में नहीं जाते. टाइम के साथ वो फिल हो जाएगा मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ. तो क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है तो जो भी सीट्स बचती हैं वो दे देते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को. मगर अगर पहले प्रायोरिटाइज किया जाता है मेडिकल स्टूडेंट्स को तो बचती है तो वो दे देते हैं. इसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि कंपैरेटिवली जो हॉस्टल यूनिवर्सिटी के अंदर है वो स्ट्रिक्ट भी है, वो ज़्यादा उसके मसले मसाइल भी हैं और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है. जो बाहर हॉस्टल्स हैं वो इतने ज़्यादा आपको चार्ज नहीं करते, उससे ऑलमोस्ट डबल चार्ज करता है अंदर का हॉस्टल. सेकेंडली, अंदर के हॉस्टल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे पता है वो ये है कि शाम को 6 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते. तो ये आप पर डिपेंड करता है. आप, मैं ये ख़राब नहीं करूँगी समय कि 6 बजे के बाद भी तो जाना होता है बाहर. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 6 बजे के बाद अंदर रहना तो मोस्ट वेलकम, सीट मिलती है, आ जाओ. अगर नहीं कर सकते तो ये दिमाग में रखो, बहुत इशू बनाते हैं. अगर आपने 6 बजे के बाद बाहर रहना है तो आपको 4-5 लेटर लिखने पड़ते हैं, कॉल की जाती है आपकी फैमिली को, आपको परमिशन दी जाती है, तो बड़ी इंक्वायरी वगैरह का सीन होता है. तो आप अगर एडल्ट हो और फ्री माइंड हो तो इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. सेकेंडली, वहाँ पे वार्डन के इश्यूज़ भी हैं. मेरी स्ट्रिक्ट वार्डन है, जो भी कोई टीचर होती है, अभी फ़िलहाल BBA की चल रही है. मैं लड़कियों के हॉस्टल की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं लड़कियों को जानती हूँ जो हॉस्टल में रहती हैं. तो उनकी तरफ से यही फीडबैक है कि जो वार्डन है वो बहुत ही फेवरेटिज्म करती है, मसले मसाइल पैदा किए जाते हैं, कुछ लोगों को फेवर दिया जाता है, कुछ लोगों को और तरह से ट्रीट किया जाता है. तो लड़कों की साइड का मुझे नहीं पता. इसके साथ साथ अगर आपकी यूनिवर्सिटी का इवेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इलेक्ट्रिकल में थी तो जब रात को पार्टी होती है तो वो 11 तक भी जाती है, 12 तक भी जाती है. यूनिवर्सिटी की पार्टी की बात करी हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टी की बात करी हूँ, तब भी आपको अलाउ नहीं किया जाता हॉस्टल में. 6 बजे के बाद जहाँ मर्जी जाओ आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा हॉस्टल में. मुझे एक स्टोरी भी याद है, हमारे साथ एक जूनियर थी हमारा और अच्छी बच्ची है, सब ठीक है. उसने पूछा भी कि हमारी इलेक्ट्रिकल की पार्टी है तो 10-11 बजे उसको हॉस्टल के बाहर खड़ा किया गया. फिर एक टीचर भी था, मैं भी थी, जो कि उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे. क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज़र थी तो इसलिए मैं, तुम ये मत समझो कि हम हेल्प क्यों कर रहे थे, तो उसको हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे थे हम. और जो वार्डन थी शी वॉज सो रूड टू अस, और किसी कोई चांस नहीं लिया जा रहा था. हम कॉल भी कर रहे थे डायरेक्टर को और इनको और प्रिंसिपल को, और बड़ी एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी. तो ये है, मुझे नहीं पता कि अगर उन लोगों ने अपने हालात बेहतर किए हैं, दिमाग थोड़ा खोला है कि नहीं खोला, मगर ये सीन है. ये मैं तुम्हें अंदर की कहानी बता दी. ये FMC के हॉस्टल की बात है, अंदर के हॉस्टल की बात है, बाहर के हॉस्टल का क्या सीन है ये मैंने बता दी है कि आपके लिए नहीं है, वैसे वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है. ये भी सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी इज़ गोना बी शिफ्टेड टू NUST, बिसाइड NUST. तो मुझे ये नहीं पता कब होगा ऐसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स शिफ्ट कर दिए जाएंगे एनी टाइम सून, और फिर शायद वहाँ पे हॉस्टल भी बनाए जाएंगे विद टाइम, मगर अभी नहीं है उसके, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, लोगों को फेस करना पड़ रहा है. मगर ये इशू इसलिए भी है कि जो यूनिवर्सिटी हमें हॉस्टल देती है वो बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. लोग डिफरेंट सिटीज़ से आते हैं, पिंडी से,
कोहाट से, पिशावर से, मुल्तान से, तो वो लोग नहीं 20,000 और गर्मियों में 30,000 इस तरह से दे सकते, उनको फिर बाहर सस्ता पड़ता है, तो वो इसलिए भी एफर्ट नहीं डाला जा रहा होगा, बाहर के हॉस्टल्स में आते हैं। इस्लामाबाद में हर सेक्टर में 10-10 हॉस्टल हैं, 10-10 हॉस्टल हैं इस्लामाबाद की। मुझे लगता है बिजनेस हॉस्टल का चल रहा है वाकई में। दो बिजनेस हैं इस्लामाबाद में बहुत टॉप क्लास के, हॉस्टल और फूड बिजनेस बहुत ज़्यादा है। फूड बिजनेस भी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टूडेंट्स ना हो तो कोई कैफेज़ वगैरह नहीं चलेंगे, स्टूडेंट्स ना हो तो हॉस्टल नहीं चलेंगे। तो ये यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा बिजनेस है इस्लामाबाद में, और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट कर रहे हैं, अपने अबुओं का इन लोगों को दिया जा रहा है पैसा। स्पेशली यूनिवर्सिटी के करीब करीब F8 है, E11 है, वहाँ पे तो काउंटलेस हॉस्टल मिलेंगे आपको। जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो एडमिशन के लिए और आपको इंटरव्यू दिया किया जाता है और आप यू गेट टू मीट द मैनेजमेंट एंड ऑल, तो वो आपको ऑलरेडी एक पम्फलेट दे देते हैं कि भाई ये हॉस्टल भी है, आपको चाहिए होगा तो ये एक हॉस्टल है जहाँ पे आप जाना चाहोगे, तो वो आपको ले जाते हैं उस हॉस्टल में। और आपके पास क्योंकि ऑप्शन होता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं होता, तो आप उस हॉस्टल में चले जाते हो और उस बंदे को कमीशन मिल जाता है जो अंदर बैठा हुआ है। ये बात मैंने बता दी आपको, वहाँ पे भी कुछ पैसों का मामला है, वो ऑलरेडी किसी हॉस्टल की तरफ से। मगर मैं यहाँ पे किस लिए हूँ, मैं ये बताती हूँ आपको कि हॉस्टल के बारे में घबराना नहीं है आपने, हॉस्टल हर जगह मौजूद है। 16,000 एक साल पहले तक फीस थी पर मंथ हॉस्टल की, अब क्योंकि इमरान खान ने महंगाई ख़त्म कर दी है तो प्रॉब्ली 18 या 20 हो गई होगी। इट्स अ जोक, बहुत सारे लोगों को सार्केज्म की समझ नहीं आती तो मैं इनको बता देते हैं, तो अराउंड 18 हो गया होगा और 20,000 एक पिछले दिनों मीम है ना, मैं यहाँ पे शेयर करूँगी कि इस्लामाबाद में 20,000 में गुजारा करना इज़ लाइक आई डेयर यू टू डू इट। तो ये हो जाता है अराउंड 25 आपका पर मंथ लग जाता है जब यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, एयर यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये दिमाग में रखो कि 25 तो पर मंथ आपका लगेगा, ठीक है, उसके ऊपर भी अगर आप पार्टी बॉय हैं तो लगेगा उसके ऊपर। तो ये यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है। हॉस्टल के रूल्स और रेगुलेशंस लड़कों के लिए नहीं होते। अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो मैं बता दूँ कि काफ़ी ट्रबल हमने देखी हुई है हॉस्टल में। अच्छा, एक ये इस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी बनाऊँगी। लड़कियों के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, लड़कियों के लिए भी इशू इसलिए है क्योंकि कुछ पेरेंट्स ओनर्स को और वार्डन को मजबूर करता है कि हमारी बेटी हमने परियों की तरह रखी है तो ये 11-12 बजे का सीन नहीं है, तो उसकी वजह से बाकी लड़कियों में प्रॉब्लम आती है। हम जैसी लड़की क्या मतलब है, हम जैसी लड़कियों का मतलब कि जो लोग अच्छे लोग हैं और उनको कोई 10-11 बजे इंसानों की तरह वापस माना चाहता है मगर 8 बजे बंद हो जाता है, तो हॉस्टल में वो भी देख के जाओ, जैसा बंदा हॉस्टल में नहीं रह सकता। और अगर आप मुझ जैसे हो, मैं बताऊंगी कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम मैं यही कहूंगी कि लोगों में नहीं है, मुझ में है, क्योंकि हम कुछ आदत बना लेते हैं जिसके बाद हम लोगों को झेलना पड़ता है दुनिया को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या मेरा सिचुएशन क्या थी और थर्ड ऑप्शन क्या है। FMC का हॉस्टल कैंसिल, बाहर का हॉस्टल कैंसिल, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, मैं ये भी बताऊंगी कि क्यों तुमको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। हॉस्टल के प्रोज और कॉन्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और या सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।